अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़खर अब्बास एंड यू आर वाचिंग द टेक्निकल फ़खर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद जो है आई थिंक 2 वीक के बाद आज हमारा एक वीडियो आया है और तो थोड़ा बिज़ी था कहीं पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम अपने फ़ोटो पर है जो एक गाना लगा सकते हैं और बिल्कुल जो है उस पर साथ में जो है रिटर्न भी आएगा, लिखा हुआ भी आएगा। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक वीडियो दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये चल रहा है और साथ में लिखा भी आ रहा है। बट मेरा थोड़ा वीडियो का एंगल नहीं ठीक था, लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि किस तरह से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो है एक काइनमास्टर का मॉड एपीके आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो चाहिए आपको ग्रीन बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो उसके अभी चैनल उसका भी अभी आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ वहाँ पर जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है यहाँ पे। ओके, इतना तो पता ही होगा आपको। यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है हार्ड्रीम AR। ओके, तो ये एक चैनल है, यहाँ पर आपको ग्रीन बैकग्राउंड बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है आपको ग्रीन बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो यहाँ से सिंपल से आपने कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है जो आपको अच्छा लगेगा वो वाला। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद जो है आपको सिंपल से करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, काइनमास्टर को आपको अपने ओपन कर लेना है। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद जो है आपको सिंपल से यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपल से क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आपको ये वाला साइज़ क्लिक करना है 16:9। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने जो है ये इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे पहला जो है अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जिस फ़ोटो पर जो है आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो है एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ अपना, और तो यहाँ पर जो है आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इस टिक के निशान पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये आपके सामने आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो आई थिंक ये फ़ोटो नहीं ठीक मेरा, मैं इसे डिलीट करता हूँ और एक नया फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना एक फ़ोटो, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्रॉप करना है इसे। तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप क्रॉप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इसको एडजस्टमेंट कर लेना है अपना साइज़ को। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको इसको जो है क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपको इसको क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, जितना भी आपको जैसा भी एडजस्टमेंट लगे उस तरीके से आपको जो है इसे क्रॉप कर लेना है। तो आप देख सकते हो क्रॉप होगा। तो यहाँ पर जो है आपको अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है तो आपका जो है फ़ोटो को इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो मेरा तो फिलहाल ठीक है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने ग्रीन स्क्रीन वाला जो है रिकॉर्ड जो आप इधर से डाउनलोड किया होगा यूट्यूब से, आप उसे लिंक कॉपी करके बिटमैक्स से दूसरे किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर जो है उसे आपको वो एक्सपोर्ट कर लेना है, और आपको फ़ोटो को एक्सटेंड करना है जितना कि आपका ग्रीन स्क्रीन वाला का साइज, ग्रीन स्क्रीन फुटेज का साइज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सटेंड हो गया है, और उसके बाद जो है आपको वो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको नीचे लेयर वाले इस पर क्लिक करना है, ये जो नीचे ग्रीन स्क्रीन का आपका लेयर है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला सेंटर में, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है ये वहाँ पर है, आपको फिर से इधर लेयर पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की। ठीक है, तो आपको क्रोमा की पे क्लिक करना है और जस्ट यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। तो जैसे ही इनेबल होगा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो इससे यहाँ पर जो आप इसे बिल्कुल इफेक्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको जस्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ आपको जो है यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारा जो है इधर मिल जाएंगे इफेक्ट वगैरह। तो यहाँ पर कोई सब मैं इफेक्ट ले लेता हूँ जैसा कि ये वाला, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है, इसे मैं प्ले भी करता हूँ, प्ले करके देखते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो इसको आपको इफेक्ट को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेटिंग से जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे कुछ अपने हिसाब से जो है आप इसे मैनेज कर लीजिए। तो फिलहाल मैं ऐसे ट्रीट करने लगा हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह जो है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इधर जो है एक चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट भी लिखा होगा आप, तो यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप जो है अपने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ये जो आपके मोबाइल की गैलरी में होगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।